इंद्रायण हर जगह पाया जाने वाला बेल वाला पौधा है। ये 3 प्रकार का होता है। यह मरुस्थली भूमि जैसे बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी में अपने आप उगाता है। यह बहुत ही फायदेमंद पौधा है। इसमें गोल छोटे छोटे फल लगे होते हैं। एक इंद्रायण चिकनी होती है, दूसरा गोल होता है, तीसरा में रोएदार फल लगे होते हैं। इंद्रायण की जड़, बेल, फल, पंचांग फायदेमंद है। इंद्रायण के फल को पीस कर जहरबाद में लगाने से जहरबाद में लाभ पाया जाता है। हर प्रकार से उपयोगी है इंद्रायण। इंद्रायण को विष वर्ग में भी रखा गया है। यह कड़वी तुम्बी भी कही जाती है। इंद्रायण को बहुत तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इंद्रायण आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान दर्शन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ज्ञान दर्शन वन और सच चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इंद्रायण के फायदे अनेक प्रकार से लिए जाते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में इंद्रायण का बहुत ही फायदा बतलाया गया है। इंद्रायण हमारे घरेलू नुस्खों में बहुत ही फायदेमंद है। इंद्रायण की बेल खेत खलिहान, बाग बगीचे, हर जगह पाई जाने वाली इंद्रायण बहुत ही फायदेमंद है। इंद्रायण की बेल में छोटे छोटे फल लगे होते हैं। एक गोल इंद्रायण, दूसरी रोएदार इंद्रायण होती है। इसको हर जगह पाया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान दर्शन की तरफ से इंद्रायण के फायदे बतलाए गए हैं। आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद है इंद्रायण। धन्यवाद। इंद्रायण को कड़वा तुम्बी भी कहा जाता है। इंद्रायण बहुत ही फायदेमंद और बहुत उपयोगी औषधीय पौधा है। इंद्रायण बहुत ही फायदेमंद है। इसकी जड़ भी, तना भी, फल भी सभी फायदेमंद हैं। इंद्रायण को हम अमृत फल भी कहते हैं। यह इंद्रायण बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आयुर्वेद में इंद्रायण का उपयोग बहुत ही तरह से उपयोगी बतलाया गया है। इंद्रायण हम जहाँ भी खेत खलिहान बाग बगीचों में देखते हैं और पहचान लेते हैं। इसे हर तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इंद्रायण बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसको हम खेत खलिहान बाग बगीचे में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है इंद्रायण। दोस्तों, इसको पहचानने के लिए हम एक फल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, यह है इंद्रायण, बहुत ही लाभकारी है।